स्वागत है आपका YouTube चैनल सुपर टेक गन्स के और एक नए वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों आपको बताएंगे कि आप Google Pay ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप Google Pay का यूज करते हैं और आप अपने Google Pay से किए हुए ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप Google Pay ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बहुत ही शॉर्ट तरीके से बताने वाला हूँ, तो अगर आप भी अपने गूगल पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों गूगल पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए आपको अपने गूगल पे ऐप को ओपन करना है। आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे और इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे शो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है नीचे, यहाँ से आप अपने तो जैसे आप यहाँ पे शो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पे डिलीट करेंगे तो आप गूगल पे से जितने भी ट्रांजैक्शन किए हैं वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपको देखने को मिल जाएगा। किससे आप पैसे लिए हैं, किसको आप पैसे दिए हैं, तो यहाँ पे आपको उसका डिटेल देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कहीं भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को डिलीट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे कि ऊपर आपको थ्री डॉट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कि गूगल पे ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को आप कहाँ से डिलीट कर सकते हैं और कैसे आप डिलीट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको गूगल पे डैशबोर्ड पे आ जाना है और आपको यहाँ पे राइट साइड पे अपने प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है, आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार नया इंटरफेस आ जाएगा। अब आपको दोस्तों यहाँ पे जो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों इस प्रकार आपके सामने नया इंटरफेस आएगा, बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखेगा। तो आपको फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन दिख रहा है डाटा एंड पर्सनलाइज, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों इस पे जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको दोस्तों गूगल द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पे बताया गया है योर पर्सनल इंफॉर्मेशन इज नेवर शेयर्ड पब्लिकली और सोल्ड टू एनीवन। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि गूगल पे आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन को किसी के साथ शेयर नहीं करता है और आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, जो भी आपका गूगल पे से एक्टिविटी होता है वो आपके गूगल अकाउंट में ही का रिकॉर्ड रहता है। तो आपको यहाँ पे गूगल अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको गूगल अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे गूगल अकाउंट पे क्लिक करेंगे ये आपको क्रोम ब्राउजर पे रिडायरेक्ट करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको यह नीचे अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा, जो भी आप गूगल पे से ट्रांजेक्शन किए हैं देख सकते हैं, यहाँ पे आपको अपना गूगल पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आपको गूगल पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन दिख रहा है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पे आपको डिलीट का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको डिलीट पे क्लिक कर देना है। अब जैसे आप डिलीट पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने यहाँ पे चार ऑप्शन आएगा, आपको लास्ट आवर ट्रांजेक्शन हिस्ट्री डिलीट करने का ऑप्शन मिलेगा, लास्ट डे का ट्रांजेक्शन हिस्ट्री अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो आपको लास्ट डे का ऑप्शन मिलेगा, ऑलवेज पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपने पहले से लेकर आज तक जितने भी गूगल पे से ट्रांजेक्शन किए हैं, जो भी गूगल पे का एक्टिविटी है वो आपका यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। और अगर आप कस्टम रेंज को सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पे डेट वाइज अपने ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं। जैसे आप कस्टम रेंज पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे आफ्टर और बिफोर डेट डाल देना है कि आप कब से लेकर कब तक का ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, आपका जो गूगल पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है वो यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। और अगर दोस्तों आप यहाँ पे सभी जितने भी आपका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है टोटली आप डिलीट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऑलवेज को सिलेक्ट करेंगे। चलिए मैं ऑलवेज को सिलेक्ट करके अपना ट्रांजेक्शन हिस्ट्री डिलीट करके आपको दिखाता हूँ। तो कुछ सेकंड आप यहाँ पे वेट कीजिएगा, आपके सामने कन्फर्मेशन पेज आ जाएगा, आपका यहाँ पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री आपको शो होगा, आपको देखने को मिलेगा, आपको यहाँ पे राइट साइड पे डिलीट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको डिलीट पे क्लिक कर देना है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है डिलीटिंग नाउ, तो यहाँ पे जैसे आप डिलीट पे क्लिक कर देंगे कुछ सेकंड आपको यहाँ पे वेट करना है और आपका जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है वो यहाँ पे कुछ ही सेकंड के अंदर डिलीट हो जाएगा। देख सकते हैं डिलीशन कंप्लीट का मैसेज आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो आपको ओके कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे फिर से गूगल पे में ओपन चुका हूँ, मैंने यहाँ पे गूगल पे को ओपन कर लिया। अब चलिए मैं आपको शो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे लेके चलता हूँ और हम देखते हैं कि मेरा ट्रांजेक्शन हिस्ट्री डिलीट हुआ है या नहीं। तो चलिए मैं शो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों आपको अपना ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा, लेकिन आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री डिलीट हो चुका है, ये पेज अभी रिफ्रेश नहीं हुआ है। तो आप यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करके देखिए, अगर दोस्तों रिफ्रेश करने के बाद भी आपका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री यहाँ पे शो होता है, आपको ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखने को मिल जाता है, तो आप दोस्तों कुछ घंटे वेट कीजिए, कुछ घंटे के अंदर आपका जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है वो हट जाएगा। यहाँ पे कभी कभी कुछ टेक्निकल इशू होने के वजह से तुरंत आपका ट्रांजेक्शन हिस्ट्री नहीं हटता है, कभी कभी कुछ टाइम लग जाता है। तो दोस्तों यही एक तरीका है, जो यह एक प्रोसेस है, जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, इसी प्रोसेस के माध्यम से आप अपने गूगल पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को डिलीट कर पाएंगे। तो दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखा दी कि कैसे आपको गूगल पे ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को डिलीट करना है। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है वीडियो के नीचे कॉमेंट करें और हो सके तो वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय।